हेलो स्टूडेंट, आप सभी का जीपीसी चित्तौड़गढ़ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं जयराज सिंह मीणा, सीनियर लेक्चर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे ऑब्जेक्ट टाइप के। ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है जो मॉडल पेपर का, जिसमें कुछ क्वेश्चन को अपन सेट करके और उसको सोल्व कर रहे हैं। ये सभी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन हैं जो पार्ट वन के आते हैं, और सब्जेक्ट है ME 210 और ई 208। तो शुरू करते हैं अपन पहला क्वेश्चन से। ये पहले भी अपन इस वीडियो में ये इस वाला है, इसके क्वेश्चन को स्टार्ट किया अपन ने कि एक छोटा सा प्रोग्राम है और इसको अपन को आउटपुट निकालना है। तो देखिए इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग के अंदर ये एक यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा था अपन ने, इंक्लूड किया और ये मेन फंक्शन यानी आई जे के एल एम, ये चार पांच प्रकार के अपने वेरिएबल्स को यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं और इसके वैल्यू को इनिशियलाइज किए हैं। और उसके बाद में अपने यहाँ और ऑपरेशन और एंड जो है ऑपरेटर का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर का प्रयोग किया गया है। अगर इस प्रोग्राम को जैसे अपन देखिए रन करेंगे तो ये आंसर क्या है, 00131 ये आंसर है, क्योंकि यहाँ पर आई की वैल्यू -1 है, जी की वैल्यू -1 है, के की वैल्यू 0 है और आई की वैल्यू 2 दे रखी है, और एम एक है जिसके अंदर इनके वैल्यू को अपन को स्टोर करना है। तो जैसे ही यहाँ आया, पहले आई का क्या -1 है और जी का मान -1 है, तो दोनों को अगर एंड आउट करेंगे तो -1 क्या होगा, और के क्या है, ये 0 है। तो ये जो पूरा पोर्शन है इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद में 0 और एल के वैल्यू क्या है, 2 है। तो 0 और 2 ये और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर का जो आउटपुट है 0 जब ही आता है जब दोनों 0 होते हैं। अगर दोनों में से एक भी 0 नहीं है तो इसका आउटपुट क्या होगा, 1। तो ये जो है इस वाले पोर्शन का आउटपुट क्या आ जाएगा, 1। यहाँ पर क्या स्टोर करेंगे, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब प्रिंट अप ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो आई की वैल्यू को जैसे इंक्रीमेंट किया, -1 में एक जोड़ा तो क्या हो जाएगा, 0। जे की वैल्यू में -1 है, इसमें एक इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही के का अगर एक करेंगे तो यहाँ के का मान क्या हो जाएगा, 1। और एल का मान क्या है, 2 था, अब क्या हो जाएगा, 3। और एम जो था उसका मान क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ 0 और 2 आया और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो इस तरह से इसकी जो आउटपुट है अपने देखिए यहाँ पर 00131, देखिए यहाँ पर 00131 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो C0031 है। यहाँ पर मैंने इसका पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि किस तरह से जो है इसका रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम अपन को देखा है, इसको भी अपन जैसे सी कोडिंग करेंगे इसकी, ये कोडिंग की है मैंने इसकी। यहाँ पर इस कैरेक्टर जो ये पॉइंटर डिफाइन किए गए हैं, फर्दर और फर्दर्स क्या है, पॉइंटर है। ये साइज ऑफ ऑपरेटर का प्रयोग करके इसमें इसका अगर रिजल्ट देखते हैं अपन, इसको अगर रन करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, देखिए यहाँ पर 4 प्लस साइज ऑफ फर्दर, इसकी भी 4 है और इसकी भी क्या वैल्यू, 4 है। यहाँ जो आउटपुट के अंदर प्रिंट होगा ये इस तरह की वैल्यू प्रिंट होगी। इसका भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि यहाँ पर किस तरह क्यों जो है ये वैल्यू आई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी एक प्रकार का ये अपने एक छोटा सा प्रोग्राम दे रखा है, ये एरे डिफाइन कर रखा है, उसके अलावा ये पॉइंटर है भी। तो अब यहाँ जब इस प्रोग्राम को अपन एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए कोडिंग के अंदर इसको अपन एग्जीक्यूट करेंगे, ये अपन ने प्रोग्राम लिख रखा है, अगर इसको अपन एग्जीक्यूट करेंगे जैसे यहाँ पर जैसे एग्जीक्यूट किया और ये इसको पहले अपन सेव कर लेते हैं कंपाइल कर, जैसे अब जो है बिल्डअप और कंपाइल, पहले कंपाइल करेंगे उसके बाद जैसे इसको अपन ने कंपाइल किया तो ये एरर जो है कर दिया। इसमें एरर क्या है, देखिए यहाँ पर एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज ए इंक्रीमेंट ऑपरेंड, यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर रहे हैं एक को, और ए क्या है, एल वैल्यू है, मतलब मेमोरी एड्रेस से ही, और एड्रेस को अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं जो अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर कंपाइल करते समय अपन को कंपाइल एरर दे देगा। तो यहाँ इसका देखिए, यहाँ मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है
क्योंकि एल वैल्यू जो रिक्वायर्ड है, जब भी अपन को इस तरह का इंक्रीमेंट करेंगे तो ये मॉडिफाई करना चाहेंगे तो ये एल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ये पूरा डिस्कस किया है कि किस तरह से जो एल वैल्यू क्या होती है। ये एरे नेम इज ए नॉन मॉडिफाइबल एल वैल्यू, इसको अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर जो है कंपाइल एरर आ जाएगा और इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ये एरर इसको डिफाइन होगा। तो यहाँ एक्सप्लेन इसका किया, देखो एरर इन लाइन स्टेटमेंट ए प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट की इस वाली लाइन में एरर दिखाएगा, ऑपरेंड मस्ट बी आई वैल्यू एल वैल्यू एंड मे बी वन एनी ऑफ द स्केलर टाइप और एनी ऑपरेटर एरे नेम ओनली व्हेन सबस्क्रिप्टेड इज एन एल वैल्यू। जब एरे नेम के अंदर कोई सब्जेक्ट होगा उसको अपन एल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ ए तो उसको एड्रेस को बता रहा है। सिंपली एरे नेम इज नॉन मॉडिफाइबल एल वैल्यू। एल वैल्यू का अर्थ क्या है यहाँ पर देखिए, एक्सप्रेशन विच कैन बी प्लेस ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। एल वैल्यू और आर वैल्यू, ये दो तरह की वैल्यू है। एल वैल्यू जो है लेफ्ट वैल्यू भी हो सकती है इसको, और आर का मतलब राइट वैल्यू। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर को जो भी एक्सप्रेशन होती है और वो असाइनमेंट ऑपरेटर के किस साइड में होगी, लेफ्ट हैंड साइड में। इसका मतलब क्या है कि एक्सप्रेशन विच हैज़ ए मेमोरी एड्रेस, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपन स्टोर करेंगे तो क्या किस में स्टोर करेंगे, अपन वेरिएबल के अंदर। और इसका मतलब क्या होता है कि वेरिएबल का मतलब क्या है, उसको मेमोरी एड्रेस असाइन किया जाता है। और असाइनमेंट ऑपरेटर के जो राइट हैंड साइड में होता है वो एक वैल्यू होती है, ऑल अदर एक्सप्रेशन जो राइट है उस वैल्यू को अपन लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर असाइन कर रहे हैं। तो हमेशा एल वैल्यू जो होती है इधर, वो एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसको मेमोरी लोकेशन अलॉट किया गया है, यानी लोकेटर वैल्यू भी कहते हैं। ये एडिनेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कितनी मेमोरी लोकेशन जो है ये ऑक्यूपाई कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर जो है कंपाइलर रह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी एक छोटा सा प्रोग्राम देखा है, डिटरमाइन द आउट ऑफ द फॉलोइंग टू। तो डिफाइन क्लियर स्क्रीन यहाँ पर है, उसके बाद एक मेन प्रोग्राम लिखा, फिर क्लियर स्क्रीन। और यहाँ पर देखिए इसको अपन अगर कोडिंग में लिखें तो यहाँ पर जो है इसको इस तरह से एक नई फाइल अपन यहाँ करेंगे ये, और इसको सेव करेंगे इस फाइल को, जैसे ये प्रैक्टिकल 5 के नाम से अपन ने सेव किया। अब यहाँ पर अपन सबसे पहले फाइल इंक्लूड करेंगे, हेडर फाइल std.h, ये हेडर फाइल इंक्लूड कर दिए, stdio हेडर फाइल है इसको इंक्लूड किया। उसके बाद में अपन जो है मेन फंक्शंस लिखेंगे, मेन फंक्शन हुआ, और यहाँ अपन वो प्रोग्राम लिखेंगे जो अपन को देख रहे हैं। तो सबसे पहले अपन क्या है, इसकी क्लियर स्क्रीन की वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये मेन प्रोग्राम से पहले यहाँ अपन इसको डिफाइन कर देते हैं, ये डिफाइन किया अपन ने, और क्लियर स्क्रीन और इसको डिफाइन कर दिया अपन ने 100। देखिए यहाँ पर डिफाइन किया और क्लियर स्क्रीन और 100 अपन इसको डिफाइन कर दिए। वापस अपन जो है ये अपने डाटा वेयर बन गए, यहाँ लिखेंगे फंक्शन के अंदर जो है क्लियर स्क्रीन लिखेंगे अपने, उसके बाद में अपन प्रिंट करवा रहे हैं इसके वैल्यू को। तो प्रिंट प्रिंट और क्लियर स्क्रीन की वैल्यू को अपन यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। और इसको बंद कर, तो सिंपली अपन यहाँ क्या कर रहे हैं कि ये एक क्लियर स्क्रीन की वैल्यू को अपन ने डिफाइन कर दिया है, और इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर क्लियर स्क्रीन की जगह क्या आएगा, यहाँ 100 आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, 100 आएगा। तो आउटपुट में क्या प्रिंट होना चाहिए देखिए, इसको अपन सेव किया, ये अपन इसको कंपाइल करेंगे और इसको रन करेंगे तो इस तरह से 100 आ गई। इसकी आंसर क्या आया, 100 आई। क्यों? क्योंकि अपनी क्लियर स्क्रीन की वैल्यू को क्या कर दिया था, यह 100 डिफाइन किया दिया और इस तरह से इसकी वैल्यू 100 आ गई। तो आज अपन इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, ये क्वेश्चन अपन ने जो है डिस्कस किए।